हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक प्लाजो बनाएंगे। तो ये देखिए, हमने डबल फोल्ड में कपड़ा कर लिया है, इसको हमने अच्छे से सेट कर लिया है। तो इस कपड़े को हम एक जितनी इस कपड़े की चौड़ाई है, हमें उतनी ही फुल फ्लेयर, एक्चुअली ये प्लाजो है, जितनी चौड़ाई है उतनी हमें मोरी रखनी होती है। तो ये देखिए, हमने 1 इंच ऊपर रखा है, हमें कपड़े से ऊपर रख के 1 इंच निकाल के रखना है, और जहाँ हमारी लंबाई है तो उधर हमें निशान लगाना है। तो हमारी लंबाई 39.5 है, तो हम उस पर निशान लगाएंगे 29.5 पर। उस पर हम निशान लगा के एक सीधी लाइन खींच लेंगे, और फिर जितना हमें नीचे मोड़ना है, अगर आपको चौड़ा मोड़ना है अगर तो आप 2 इंच 2.5 इंच का छोड़ सकते हैं। आपको पतला मोड़ना है, कपड़ा कम है तो आप थोड़ा पतला भी मोड़ सकते हैं। अब हम हिप का निशान लगाएंगे। देखिए, जितनी हमारी हिप होती है उसका चौथा पार्ट हमें लगाना होता है, मतलब फोर्थ हिस्सा। और ये एक्चुअली खुला प्लाजो है, तो इसमें हम जितनी हमारी हिप होती है उसमें 5 6 7 जितना आपको लूज चाहिए उतना हम प्लस कर लेते हैं। मैंने इसमें 5 प्लस किया है, तो जहाँ मेरा 12 इंच बनता है तो मैं वहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा कर लूँगी, तो ये 14 इंच मेरी हिप हो गई। और क्रॉच एरिया, क्रॉच एरिया जो होता है, आसन होता है, तो हम 1 इंच ऊपर रख के हमें 13.5 इंच का मैं क्रोच एरिया रखूँगी इस तरीके से। यह हर किसी का अलग अलग होता है, तो आप अगर लूज़ रख रहे हैं तो आप 13 12 और 14 तक रख सकते हैं, तो 15 भी रख सकते हैं अगर ज़्यादा आप हेल्दी हैं तो। और इस तरीके से मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूंगी, और फिर हम जहाँ ये क्रॉच एरिया का निशान लगाया, इससे हम 2.5 से लेके 3 तक इंच का हम आगे बढ़ा सकते हैं। अगर जितनी हैवी इंसान होता है उतना ही हमें आगे बढ़ाना होता है। और इधर हम गोलाई कर देंगे, जैसे हम मुड्ढे वगैरह में गोलाई करते हैं, तो ये हमारा क्रोच का निशान बन गया है। अब इसी निशान से हम जितनी हमें मोहरी रखनी है, पर एक्चुअली हमें तो पूरा ही रखनी है, पर अगर आपको कम रखनी है तो आप कम भी रख सकते हैं, और ज़्यादा रखनी है तो आप ज़्यादा भी रख सकते हैं। अब हम इस क्रोच के निशान से ही जितनी मोहरी रखनी है वहाँ पे हम इंच टेप रखेंगे और हम निशान लगा देंगे। तो जितनी मोहरी रखनी है आप उधर से पकड़े इंच टेप और निशान लगा दें। और हमें थोड़ी सी यहाँ साइड में भी हमें थोड़ी सी आधा से 1 इंच की गोलाई करते हुए हमें यहाँ पे कटिंग करनी होती है। आप चाहें तो स्ट्रेट भी छोड़ सकते हैं, पर एक अच्छी सी फिनिशिंग आ जाती है अगर हम यहाँ पे 1/2 इंच की गोलाई कर दें। तो इस तरीके से हम गोलाई करेंगे और फिर इसकी कटिंग कर लेंगे। जहाँ जहाँ पे हमने निशान बनाया है उसके साथ साथ में ही हमें इसकी कटिंग कर लेंगे बिल्कुल। अब इस तरीके से हम ये क्रॉच एरिया को भी बिल्कुल बराबर बराबर तरीके से काटेंगे, और नीचे तक इस तरीके से कटिंग करके ये हमारे फ्रंट पैनल की कटिंग हो चुकी है। तो अब हम इसके बैक पैनल की कटिंग करेंगे। देखिए इस तरीके से, देखिए अपने हमने नीचे भी कपड़ा बिछा लिया है, और अब ऊपर हमने जो फ्रंट पैनल काटा था वो भी हमने बिछा लिया है। तो हम ऊपर से कम 2.5 इंच की दूरी पे हम इस पैनल को बिछाएंगे। देखिए आप, हम मैंने ऊपर कपड़ा छोड़ा हुआ है इस तरीके, देख सकते हैं आप, 2 से 2.5 से 3 इंच का हम कपड़ा छोड़ेंगे और इस तरीके से निशान लगाएंगे, एक क्रॉच एरिया से और एक क्रॉच एरिया के निशान से। तो और इधर से हम 1.5 इंच का निशान लगाएंगे, क्योंकि जो बैक वाला होता है वो हमारा थोड़ा सा बड़ा कटता है, तो इसलिए 1.5 इंच हम इसे बढ़ा के काटेंगे। फिर एक इधर हम एक क्रोच बनाएंगे और इस तरीके से, और फिर हम यहाँ से 2.5 इंच के से जो हमने ये निशान लगाया, इसको हम तिरछा, जहाँ पे हमारा फ्रंट पैनल का निशान है वहाँ से हम इसे तिरछा मिला देंगे। अब हम ये जो बैक वाले क्रोच है उससे हम निशान मिला देंगे। तो ये हमारे बैक वाले की भी मतलब निशान हो बन चुके हैं। अब इसको हम इसी तरीके से कटिंग भी कर लेंगे। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस हमें पीछे वाले का जो क्रॉच है वो थोड़ा हमें बड़ा रखना पड़ता है, और ये ऑलरेडी इतना लूज़ है तो इसमें ज़्यादा हमें कपड़ा देने की ज़रूरत नहीं है। इसको भी हम काट लेंगे, और यहाँ से भी जैसे जैसे हमने निशान लगाया वैसे वैसे कटिंग ख़त्म करेंगे। अब हम इसकी स्टिचिंग शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम देखें इन दोनों पार्ट्स के, फ्रंट के और बैक के दोनों के हम क्रॉच सिल लेंगे। फ्रंट के साथ सिलेंगे और बैक के तो आगे वाले पल्लों के क्रॉच और पीछे वाले के, इस तरीके से। देखिए ये जो होते हैं क्रॉच एरिया, इनको हम सिल लेंगे
और सिलने के बाद, दोनों को सिलने के बाद फिर हम आपको दिखाते हैं। दोनों के ये क्रॉच एरिया मैं सिल चुकी हूँ। अब हम इनको ऐसे उस तरीके से ओपन करेंगे और ये देखिए, ये हमारा राइट पार्ट से और ये राइट पार्ट से, इसके ऊपर हम दूसरा वाला पार्ट रखेंगे जो राइट से राइट मिलाते हुए हमें इसको रखना है। अंदर की तरफ दोनों राइट होते हैं और बाहर की तरफ अपोजिट। तो अब इस तरीके से हम साइड की स्टिचिंग देंगे, तो इसके दोनों साइड के पल्ले हम स्टिच कर लेंगे। अब हमने साइड की स्टिच तो दे दी है, अब इसकी नीचे की मोरी हम रेडी कर लेते हैं। तो जितना जितना हमने मार्क लगाया था हमें उतना ही मोड़ना है, तो हम इसके लिए निशान बना लेंगे और फिर ये कॉटन का होता है, इन्हें हाथ से अच्छे से प्रेस करके फिर हम इसमें एक क्रीज आ जाती है, तो उसी हिसाब से हम इसको मोड़ के इनके ऊपर सिलाई करेंगे। नीचे की मोरी हमारी अब बिल्कुल देखिए रेडी हो चुकी है, हमने दोनों तरह की मोरियाँ मोड़ ली हैं। अब हम इसमें जितनी हमें मोरी रखनी होती है उसकी हम फिटिंग की सिलाई देंगे। प्लाजो को कभी भी स्टिच करते समय हमें मोरी से स्टार्ट करेंगे और क्रोच एरिए पे आके हम इसको उतार देंगे, यहीं से हम दूसरे पैर की तरफ नहीं लेके जाएंगे। ऐसे करने से प्लाजो काफ़ी अच्छी तरीके से सिलता है और जो एक क्रोच की तरफ से जो उठाव सा होता है, जो पैर मतलब प्लाजो हमारा जो उठता है पैर नीचे की तरफ से, वो भी नहीं होता। तो ऐसे हमने इसे देखिए यहाँ से उतार दिया है। अब दूसरे पैर से हम फिर शुरू करेंगे स्टिचिंग लगाना और यहीं क्रोच पे आकर हम मशीन से उतार देंगे, फिर बाद में एक फाइनल सिलाई लगाएंगे और अपने प्लाजो की सिलाई फिनिश करेंगे। अब हम अपने प्लाजो में बस लास्ट काम रह गया है हमारा कि हमें अब इसमें बेल्ट लगाएंगे। ये मैंने 3 से 4 इंच चौड़ी पट्टी ली है, तो आप देख सकते हैं ये उतनी ही लंबी पट्टी है जितनी हमारी पूरे प्लाजो का घेरा है ऊपर का कमर का, तो हमने उतनी पट्टी ले ली है। अब इस पट्टी को हम उसमें अटैच करेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा प्लाजो को एक साइड से ओपन कर लेंगे सिलाई और उसमें हम पट्टी को अटैच करेंगे। इस हमें प्लाजो को तो उल्टा रखना है और पट्टी को भी उस पर उल्टा रखना है क्योंकि हमें ये सीधे की तरफ हमें फोल्ड करनी है। तो देखिए ये हमारा मतलब प्लाजो भी उल्टा है और पट्टी भी उल्टी है। इस तरीके से हम ऑल ओवर पूरी तरीके से हम सील लेंगे, फिर हम आपको बता दें कैसे हमें इसमें इलास्टिक ऐड करनी है। अभी हमारी देखिए पट्टी लग चुकी है, आप देख सकते हैं इस तरीके से। अब हमें इलास्टिक लेनी है। जितनी भी हमारी कमर होती है, इलास्टिक लेने का सीधा सा फार्मूला है, जितनी भी हमारी कमर होती है उससे हमें सिर्फ 5 से 4 इंच कम लेनी होती है। तो हमारी जितनी कमर है हमने उससे 5 इंच या 4 इंच कम ली है और इस तरीके से हमने इस इलास्टिक को ले लिया है। अब इस इलास्टिक को एक साइड से जहाँ वो हमने पट्टी अटैच की है उसके एक साइड पे हम उसे स्टिच कर लेंगे, जिससे वो इधर से उधर हिले ना और हमें इलास्टिक लगाने में आसानी रहे। तो हम इसके ऊपर रखेंगे और सिलाई से इसे पक्का कर लेंगे। अब ये देखिए हम ये कपड़े को इस तरीके से आधा अंदर फोल्ड करेंगे और जो ये हमारी सिलाई लगी हुई है तो हमें इसी के ऊपर ही इसको रखना है। ये सिलाई हमें दिखाई नहीं देनी चाहिए, इस तरीके से हमें उसके ऊपर रखना है। और सिलाई लगाते समय हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारी इलास्टिक इसके साथ सिल ना जाए, क्योंकि अगर इलास्टिक सिल गई तो ये इलास्टिक खिंचाव में नहीं आ पाएगी और रिंकल्स भी नहीं आ पाएंगे। तो इसलिए इतने दूरी पे रखना है कि इलास्टिक भी ना दबे और जो ये सिलाई लगी है जॉइंट वाली ये भी शो ना हो। और सफाई से लगाएं क्योंकि ये हमें सीधे पे हम लगा रहे हैं, ये फ्रंट हमारा हिस्सा है जो शो होता है। तो ऐसे ही इतना इतना फोल्ड करते रहें और इलास्टिक को थोड़ा थोड़ा पीछे करके उसी सिलाई के ऊपर ही हम सिलाई लगाएंगे और इलास्टिक को थोड़ा थोड़ा सा स्ट्रेच करते रहेंगे और सिलाई लगाते रहेंगे। देखिए आप रिंकल्स बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे इलास्टिक को स्ट्रेच करते करते हम अपने इलास्टिक कंप्लीट करेंगे और लास्ट में इलास्टिक और कपड़े को पक्का कर लेंगे, जिससे ये इधर से उधर निकल ना जाए। फिर हम जो हमने सिलाई ओपन की थी हम दोनों को पकड़ के अच्छे से पक्का करते हुए हम इसमें सिलाई देंगे और इलास्टिक को स्ट्रेच करेंगे और इस तरीके से स्ट्रेच करेंगे कि रिंकल्स जो हैं उसके चारों तरफ इक्वल ही स्प्रेड हो जाए, मतलब फैल जाए। अब हम इसमें
एक सेंटर में सिलाई देंगे, खींचते हुए सिलाई देनी है यह हमें। इससे क्या होता है कि हमारी इलास्टिक फोल्ड नहीं होती है और इधर उधर घूमती भी नहीं है, जैसे के जैसे रिंकल्स हैं वैसे के वैसे ही सेट रहते हैं। तो इस तरीके से देखिए हमें सेंटर में सिलाई देनी है और इससे हमारी इलास्टिक काफ़ी अच्छी तरीके से फिक्स हो जाती है और अच्छी भी लगती है। हमारा ये प्लाजो बन के बिल्कुल रेडी हो चुका है और काफ़ी अच्छा बना है। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये प्लाजो कैसा बना है, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखें। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक किए बिना ना जाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।